बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। आप लोगों को ये चीज़ मैं बताना चाह रही थी, आप सबको ये इन्फॉर्म करना चाह रहे थे। आप जैसे कि आप सबको पता है 4 जनवरी को इजलास होना था, फैसला होना था स्कूल इंस्टीट्यूट्स वगैरह को, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन तमाम स्कूल्स को क्या ओपन करना चाहिए या अभी मज़ीद क्लासेस को यानी छुट्टियों को बढ़ाना चाहिए या क्लासेस को या फिज़िकल क्लासेस को बुला लेना चाहिए, इसके बारे में आज इजलास होना था। और अभी ये इजलास ख़त्म हुआ है और इसके बाद एक अनाउंसमेंट हमारे सामने आई है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाह रही थी। इसके अकॉर्डिंग इस इजलास में जो मेन फैसला हुआ है वो ये चीज़ है कि हम इंशाल्लाह 9, 10, 11 और 12 यानी 9वीं से लेके 12वीं जमात तक को इंशाल्लाह 18 जनवरी से कॉलेज स्कूल में बुलाना शुरू कर देंगे। यानी 9वीं से 12वीं तक की जितनी भी क्लासेस हैं वो 18 जनवरी से इंशाल्लाह कॉलेज में आना शुरू कर देंगे, प्रॉपर SOPs को फॉलो करते हुए जो हम पहले SOPs फॉलो कर रहे थे, यानी मास्क का होना स्टूडेंट्स के लिए कंपल्सरी होगा, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते हुए, और इसी तरह से 50% स्ट्रेंथ के साथ कॉलेजेस को स्कूल्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं 18 जनवरी से। इसके बाद सेकंड स्टेप में यानी सेकंड फेज़ में स्टार्ट किया जाएगा 1 से लेके 8 क्लास तक को, पहली से 8वीं क्लास को 25 जनवरी से इंशाल्लाह बुलाया जाएगा, उनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 25th से। पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको इंशाल्लाह 25th से स्कूल्स में बुला लिया जाएगा, सेम उन्हीं SOPs को फॉलो करते हुए जो हम लोग पहले कोविड को की सिचुएशन में हम पहले से SOPs को फॉलो कर रहे थे उनको फॉलो करते हुए। इसके बाद एक बड़ी अनाउंसमेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी है, उन स्टूडेंट्स जो पहले से जिनके जो भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे और उन्होंने एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन दिए हैं उन सबको भी इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी क्लासेस इंशाल्लाह 1 फरवरी से बाकायदा फिज़िकली आपकी यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट हो जाएंगी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स 1 फरवरी से और इसी तरह से 9वीं से लेके 12वीं जमात तक के तमाम स्टूडेंट्स 18 जनवरी से और 25 जनवरी से पहली से लेके 8वीं जमात तक के स्टूडेंट्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। फिज़िकल क्लासेस सेम उन्हीं SOPs को फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसेस 50% स्ट्रेंथ, इसके अलावा 50% स्ट्रेंथ मीन के 50% स्ट्रेंथ एक दिन, 50% स्ट्रेंथ दूसरे दिन, इस तरह से स्टूडेंट्स को अल्टरनेट डेज़ में स्कूल कॉलेजेस में बुलाया जाएगा और प्रॉपरली स्टूडेंट्स का मास्क होना ज़रूरी होगा, इस तरह से आपके आप स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेजेस में जाना है। जैसे आप इस ट्वीट में देख सकते हैं मुराद रास ने अभी ये ट्वीट किया है, 10 मिनट पहले ही इन्होंने ये ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने प्रॉपरली इस चीज़ को कन्फर्म भी किया है कि 9वीं से 12वीं तक 18 जनवरी से, इसी तरह से 25 जनवरी से पहली से 8वीं जमात और 1 फरवरी से यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया जा रहा है। आप तमाम स्टूडेंट्स को हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और आप लोगों को सिर्फ यही कहेंगे कि SOPs को फॉलो करना है, सबसे बढ़ के हेल्थ स्टूडेंट की है हमारे लिए, आप लोगों ने SOPs को फॉलो करते हुए स्कूल्स वगैरह को दोबारा से अटेंड करना शुरू करना है। अल्लाह हाफिज़।